लुधियाना विच सराबा नगर विच चार लड़कियां ते तेजाब सुट्टे जाण दा मामला सामने आया है। अणपछाते लोगों वालों इस वारदात नूं अंजाम दिता गया है। सैलून विच व्याह लई तैयार होण आई लड़की अते तीन होर लड़कियां नूं शिकार बनाया गया है। इस दौरान तीन लड़कियां जख्मी हो गईआं ने। एक बार फिर दस दिए कि लुधियाना विच चार लड़कियां ते तेजाब सुटिया गया है। व्याह लई तैयार होण आई सी लड़की सैलून विच, उस दे नाल तीन होर लड़कियां आईयां सन, जिस दौरान तीन लड़कियां बुरी तरह जख्मी हो गईआं ने। अणपछाते लोगों वालों इस वारदात नूं अंजाम दिता गया है। तकरीबन 8 से 8:30 के बीच में लैक्मे सैलून के अंदर एक अनआइडेंटिफाइड लड़के ने एंटर कर वहाँ पर एक लड़की है जिसके ऊपर एसिड अटैक करा है। उसके बारे में हमने मामला दर्ज कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, कुछ क्लूज़ मिले हैं। दोनों फैमिली से हम बात कर रहे हैं, लड़की की आज ही शादी तय हुई है और इस जल्दी मुकदमा ट्रेस हो जाएगा। वहाँ पर तीन लड़कियाँ थी जो इंजर्ड हुई हैं। एक लड़की जो है जिसकी शादी थी वो 50% से ज़्यादा बढ़ रहा है। जो करने वाला है वो एक लड़का है जो सैलून के अंदर एंटर हुआ, लेकिन उसके साथ और लोग भी हो सकते हैं। इस मामले से वधेरे जानकारी लई गल करदे आं साडे पत्रकार मनोज राठी दे नाल। जी मनोज, की है पूरा मामला ते किस वेले ये हमला किया गया? बिल्कुल कमिता, बताना चाहूंगा कि काफी जो ये सनसनी मामला जो सामने आया है, एक लैक्मे सैलून में अभी थोड़ी देर पहले की वादा है लुधियाना के जो ये सराबा नगर है, यहाँ पे एक 22 साल की युवती जिसका आज जिसकी शादी थी, वो अपने मेकअप के लिए यहाँ पे ब्यूटी पार्लर जो लैक्मे का ब्यूटी पार्लर है वो यहाँ पर आई हुई थी। लेकिन जैसे ही वो इंटर हुई, थोड़ी देर के बाद ही एक लड़का जो है इंटर होता है और उसके ऊपर तेजाब फेंक कर और भाग जाता है। जैसे कि बता दें कि इसमें चार लोग जो है घायल हुए थे, युवती के साथ तीन अन्य जो युवती और है जो वहाँ पे ब्यूटी पार्लर की जो कर्मचारी है उनके ऊपर भी जो है एसिड अटैक हुआ, उनको भी एसिड से बुरी तरह जुड़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है अगर हम बात करें, हम पुलिस वालों से बात हुई उनके अनुसार हम पाले तो 50% से ज्यादा जो है ये युवती झुलस चुकी है। अगर हम बात करें पुलिस वालों से तो पुलिस वालों का यही मानना है कि ये जो लड़का है वो बर्राला से बिलोंग करता है और लड़की को जो है कई बार फोन कॉल पे जो है थ्रेटिंग कॉल करता था, उसको कई बार फोन पे तंग करता था और कुछ शादी के लिए उसको जो है उसके काफी दबाव बनाता था कि मुझसे शादी कर। लेकिन जब आज वो लड़की की शादी थी, शाम को शादी है और आज ब्यूटी पार्लर में जब वो अपना जो मेकअप कराने के लिए आई थी तो जैसे कि अगर पुलिस सूत्रों की माने तो लड़का जो है वो अपनी गाड़ी में आया और सैलून में एंटर होते हुए एसिड जो है वो फेंक कर जो भाग गया और लड़की जो है अभी डीएमसी हॉस्पिटल जो है लुधियाना में जो है वो दाखिल है। बाकी पुलिस सूत्रों का यही है कि अभी तक जो लड़का जो है उसको नहीं गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बरनाला से वो लड़का है और उसको जो है पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने के लिए बरनाला जा चुकी है। जी मनोज, की इन्हें दोषी की पहचान हो चुकी है? कितने लड़के सन, क्यों इकला ही सी लड़का? जी बिल्कुल, पुलिस वालों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि लड़के जो इंटर जो हुआ था ब्यूटी पार्लर में जो है वो लड़का अकेला हुआ था। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि पुलिस वालों के अनुसार जो लड़का जो है जिसने एसिड अटैक किया है वो विक्टिम का ब्रदर जो है उसका फ्रेंड है, उसका दोस्त है। बताया जा रहा है कि कॉलेज में जो है इकट्ठे पढ़ते थे और उसी टाइम से जो है लड़का इसको लड़की को पसंद करता था और काफी दिन से जो है इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन जब उसको जब पता चला कि आज जो है इसकी शादी है, इसकी मैरिज है, तभी जाके उसने आज ब्यूटी पार्लर में जाके उसने एसिड अटैक किया। और आपको बता दें कि 50% से ज्यादा जो है लड़की की जो जो जल चुकी है, बिल्कुल उसका जो फेस है वो काफी तरह झुलस चुका है। जी मनोज, उस दे नाल कुछ होर लड़कियां भी सन ते उन्हां ते भी जिहड़ा ए उन्हां दे भी जख्मी होने की खबर है, उन्हां दी हालत किहो जी है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जो तीन जो अलग लड़कियां जो ब्यूटी पार्लर में ही जो काम करती हैं, वहां की जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी जो हुआ है, लेकिन जो उनकी जो हालत जो है बताई जा रही है नाजुक बताई जा रही है। सबसे ज्यादा जो अटैक जो हुआ है, एसिड जो है गिरा है, वो लड़की के ऊपर गिरा है जो 22 साल की युवती जो है जिसकी शादी थी उसके ऊपर जो है वो ज्यादा अटैक हुआ है। जी मनोज, हुण पुलिस वालों की कार्रवाई की जा रही है दोषियों की भाल लई? जी बिल्कुल, जो पुलिस की एक टीम है जो एसआईटी टीम जो इसमें गठित कर दी गई है और पुलिस की जो टीम है जो बरनाला जो है वो जा चुकी है उस लड़के को जो है वो गिरफ्तारी के लिए। लेकिन अभी तक हम आपको बता दें कोई इसमें केस में जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। लुधियाना पुलिस जो है वो मौके पर है, वहां पे छानबीन की जा रही है, ब्यूटी पार्लर के आसपास जो लोगों से पूछा जा रहा है। जैसे कि लोगों से पूछताछ में पता चला है कि जो लड़का जो है वो कार में आया था और ब्यूटी पार्लर के बिल्कुल सामने अपनी गाड़ी खड़ी करके ब्यूटी पार्लर के अंदर एंटर होता है और एसिड अटैक करके और फटाफट जो है भाग जाता है। जैसे कि हमारी पुलिस कमिश्नर से भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है इस लड़के को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी जी मनोज, सारी जानकारी लिए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। दस दिए कि अज लुधियाना विच चार लड़कियां ते तेजाब सुट्टन दा मामला सामने आया। इस दौरान तीन लड़कियां दे जख्मी होने की खबर है, जिन्हां नूं हस्पताल विच दाखिल करवा दिता गया है ते पुलिस वालों दोषियों की भाल की जा रही है।
खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदी वी ते कितों वी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।